आजकल ना इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग होती है, लोग सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखकर अपने पैसों को निवेश कर देते हैं, किसी की सलाह मान लेते हैं। फिर इन्फ्लुएंसर्स को लेकर हम जानते हैं कि सेबी ने काफ़ी सख्त रुख भी अपना लिया है। किस तरह से आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग को फिल्टर आउट करें, कैसे आप समझें, कैसे आप जानें कि ठीक है, एक तो आपके पास एडवाइज़र होना चाहिए, जैसे आपके पास आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है उसी तरह आपके पास एक आपका एडवाइज़र होना चाहिए, और भले ही वो थोड़े से पैसे ज़रूर ले ले, लेकिन आपको उन्हें उनकी फ़ीस देनी चाहिए और उनसे अपने लिए सलाह लेनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी खुद का भी तो होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है ना। आपकी मेहनत की कमाई है, आप किसी को आँख बंद करके तो नहीं दे सकते जिम्मेदारी उसकी। तो अब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, यूट्यूब चैनल्स खुले हुए हैं और तमाम तरह के लोग आपको सलाह देते हैं, एक क्लिक पर आपको इतना मुनाफा मिल जाएगा, ये सब तरह की सलाह देते हैं, कैसे फिल्टर आउट करें, कैसे समझें क्या सही है क्या गलत है? तो इसमें जो अगर कविता कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर थोड़ा सा अनकन्वेंशनल बात करूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, आपने जैसे कहा खुद से थोड़ा सा रिसर्च करना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचे, तो सबसे बड़ा फैक्टर एक्चुअली आपका हेल्थ है वेल्थ से ज्यादा। तो पहला चीज ये है कि आप हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, आप किसकी सलाह ले रहे हो, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा न्यूट्रिशनिस्ट है, आप कितना एक्टिव रहते हो, क्या एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि ओल्ड एज में जैसा आपका एज बढ़ता जाएगा सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन और कॉस्ट का इम्पैक्ट आपको मेडिकल से शायद आएगा एजुकेशन के बाद। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप सारा ये इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, प्लीज आप पहली चीज अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ इज ट्रू वेल्थ। क्या फायदा उस 10 करोड़ का या 5 करोड़ का या जितना भी आपने कमाया हो, अगर आपको हॉस्पिटल में जाना हो या इफ यू आर बेड रिडन, राइट, इट इज नो पॉइंट। तो पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज दैट कि आप बिल्कुल छोटा इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहे खुद से ऑन प्लेटफॉर्म्स, प्लीज डू इट, बट एक थ्रेशोल्ड रखिएगा कि उस थ्रेशोल्ड के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आप एक एडवाइजर के थ्रू करें। और एडवाइजर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपकी जितने बिहेवियर के बायसेस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, उसको एक टेस्ट करने का मौका आपको मिलता है। आपको अगर बहुत सारा व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में अगर आप सुन रहे हैं, तो प्लीज आप ये देखिए कि इसमें फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा लोगों को कि आप जो भी करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बिल्कुल कीजिए। जैसे कि आप इंश्योरेंस ले रहे हो एक लाइफ के लिए या हेल्थ के लिए, आप एक इमरजेंसी फंड जो आपके 6-8 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं घर के, उस लिमिट तक आप एक भले बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें या कोई अच्छा लिक्विड फिक्स्ड इनकम में रखें, एक इमरजेंसी फंड रखिए, बाकी आप फिर जो करना चाहे, जैसा करना चाहे, जिस टाइम से आप खुद करें और एडवाइजर के पास ले जाना चाहे आपके इन्वेस्टमेंट्स, वो आप कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज है। पहला फोकस आपके हेल्थ पर, दूसरा कि आप अगर कुछ कर रहे हो खुद से भी, तो आप सीखते वक्त और आप डेटा, इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स, वीडियोस देखते वक्त फैक्ट को देखें और ना कि ओपिनियंस पे जाएं। और तीसरा कि आपके पास कोई अच्छा ऐसा एडवाइजर रेफरेंस के थ्रू आए जो आपको हर फैक्ट बता सके, आपको गाइड कर सके अपने एसेट एलोकेशन के बारे में। और चौथा ये कि आप एक इमरजेंसी फंड जरूर शुरू कीजिएगा, क्योंकि जितने भी रिस्क होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हमें रिस्क से प्रोटेक्ट करता है लाइफ और हेल्थ का, इन्वेस्टमेंट्स में एक इमरजेंसी फंड होना आप इससे प्रोटेक्ट करता है कि कहीं अगर मार्केट में उतार चढ़ाव या उतार काफी ज्यादा हुआ, तो ये इमरजेंसी फंड आपका काफी एक शील्ड बन जाता है, प्रोटेक्शन बन जाता है, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट्स को आप डिस्टर्ब ना करें और आप कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब ना करें। तो ये मैं कहूंगा कविता इस पॉइंट पर। विमेन इन्वेस्टर्स की हम बात करते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी सुधार की बात हो और खासतौर से समाज की सुधार की बात हो, तो वो हमेशा आपके घर से शुरू होता है। क्या कहना चाहेंगे वो तमाम दर्शकों को और खासतौर से हमारी महिला दर्शकों को जो इन्वेस्टमेंट्स की बातें तो सुनती हैं लेकिन कहीं ना कहीं अभी उस राह में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं? आपकी AMC में, आपके घर में किस तरह से आप महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट की सीख देते हैं? हमारे इस सर्वे में कविता हमने ये देखा कि जिन लोगों ने कहा कि हम रिटायरमेंट के लिए रेडी है और हमने रिटायरमेंट प्लान बकायदा बनाया हुआ है, उसमें तो विमेन आर अहेड ऑफ मेन। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि काफी सारे विमेन जो है वो कहते हैं कि वो अपने
अपने स्पाउस पर डिपेंडेंट है, अगर मेल्स में देखा जाए तो दे फील दे आर गोइंग टू बी मोर डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पे ज्यादा डिपेंडेंसी उनकी होगी आगे जाकर के। एडवाइस यही है कि हर एक हाउसहोल्ड जो है वो यूनिक होता है। आज हम यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये करीब करीब 20 या 30 मिनट का प्रोग्राम है, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रेटजीज बताते हैं कि क्या आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लेकिन आधे घंटे में या एक घंटे में शायद हम सब कुछ तो कवर नहीं कर सकता कि एक हाउसहोल्ड कितना यूनिक हो सकता है। हम जनरल सी बातें करते हैं, जनरल रूल्स ऑफ थंब बताते हैं, लेकिन हर हाउसहोल्ड यूनिक होता है कि शायद आपके घर में बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं जिसको फॉर हुम यू हैव टू केयर, कहीं बच्चे हैं जो अब कॉलेज के लिए निकलने हैं तो उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, कहीं डिसेबिलिटी हो सकता है, कहीं डिवोर्स हो सकता है, कहीं बहुत कुछ ऐसे चीजें जो हर हाउसहोल्ड में यूनिक होता है। तो ये यूनिक सर्कमस्टेंसेस को अगर आपको हैंडल करना है और आपको एक स्ट्रेटजी करनी है तो दैट इज वेयर अ गुड एडवाइजर, अ ट्रस्टेड एडवाइजर, वेदर अ वुमन एडवाइजर और अ मेल एडवाइजर, हूएवर यू कैन गेट एज अ रेफरेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट बिकम्स द बिगेस्ट स्ट्रेटजी। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी मैं ये रेकमेंड करूंगा, वेदर दे आर वुमेन एंड स्पेशली वेदर दे आर वुमेन और एनी इन्वेस्टर, इज दैट प्लीज हैव अ ट्रस्टेड एडवाइजर टू हेल्प यू प्लान योर फाइनेंसेस फॉर योर फ्यूचर। मुझे आपसे अब ये समझना है कि एज एन AMC वैसे तो तमाम तरह के जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं सभी तरह के गोल ओरिएंटेड सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स लोगों को अभी ऑफर करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अगर आप सही तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो तमाम तरह के निवेश विकल्प हैं देखिए जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। ज़रूरत है कि आपको सही समय पर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करनी है और सही समय पर अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है, अपना रिस्क प्रोफाइल समझना है और जिस भी निवेश के विकल्प में आप पैसे चाहते हैं उसके बारे में आपको समझना है ताकि आपको पता चले कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। लेकिन जब भी रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य की बात आती है, यहां पर मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को थोड़ा सा कंपाउंडिंग का भी एक फायदा समझाएं, क्योंकि अगर आप इसको अपना पहला लक्ष्य समझते हैं और अपनी पहली सैलरी से भले ही आपको अर्ली रिटायरमेंट करनी हो, क्योंकि वो जेन ज़ी और मिलेनियल्स में अजीत सर आप भी मानेंगे बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग जो हैं अभी करियर ओरिएंटेड तो है लेकिन एक ही तरह के करियर में नहीं रहना चाहते हैं, अलग अलग तरह की काम करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। एक ज़माना था आप भी मानते हैं जहां पर लोग सालों साल एक ही नौकरी में रहा करते थे, अब ऐसा नहीं होता है, लोग 3-4 गिग्स करते हैं और पैसे कमाते हैं। इस तरह के लोगों के लिए मुझे आप बताएं कि रिटायरमेंट जिस भी तरह का हो, 60 में रिटायर होना हो, 40 में रिटायर होना हो, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम जनरेशन रुक जाएगी, इनकम जनरेशन आपको करनी है, लेकिन रणनीति क्या हो, स्ट्रैटेजी क्या हो। हमारा ये एक स्ट्रैटेजी ये होगा कि आपने जैसा कहा कि काम तो रोकना नहीं है, हमने देखा कि इस सर्वे में जितने लोग कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट के लिए रेडी हूं तो उनके 36% उन लोगों में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं है। वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अपना इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है या कोई और ऐसा स्किल हो सकता है जिससे वो कुछ कमा ले। एज अ स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल में एक प्रैक्टिकल चैलेंज ये है कविता की लॉन्जेविटी, कि आप शायद 90 या 100 साल तक जियोगे, ये ज्यादा आ रहा है ग्लोबली, ना कि सिर्फ इंडिया में, ग्लोबली लिविंग लॉन्गर इज डेफिनेटली अ चैलेंज। तो इस चैलेंज को लेकर के हम 40 या 50 में अगर हम रिटायर करना चाहे और बिल्कुल ही काम ना करें, ये स्ट्रैटेजी तो नहीं बन सकता। आपने जैसे कहा कमाते रहना है लेकिन ऐसा कुछ करना है जिसमें हमें खुशी हो और हम उससे कुछ हमारे फाइनेंसेस को सप्लीमेंट करता रहे, तो स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट यही होगा कि आप एक कोई भी उम्र में सिर्फ एक स्किल से जो इनकम है वो एज अ स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। और आपको ये सोचना है कोई भी एज हो आपका कि आपका ऐसे कितने स्किल्स हैं, सेकेंडरी स्किल या टर्शरी स्किल्स हो सकते हैं जिससे आप कमा सकते हैं। पैंडेमिक में काफी लोगों ने अपने छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू किए, वेदर इट वॉज कुकिंग और वेदर इट वॉज केटरिंग और वेदर इट वॉज सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स। सो दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज रिटायरमेंट में इज दैट यू विल प्रोबेबली लिव लॉन्गर देन यू एक्सपेक्ट। तो कोई भी कॉर्पस के बारे में कहा जाए तो एक तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो लेना ही है, जितना जल्दी शुरू करें वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में ये है कि आप मेंटली और फिजिकली
इन्वॉल्व रहे टिल द एंड ऑफ लाइफ एंड थ्रू एनी वर्क, कोई ऐसा काम जो आपका स्किल हो जिससे आप कुछ ना कुछ कमाते रह सकते हो और आपके इन्वेस्टमेंट्स को आप सप्लीमेंट करते रह सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कविता। तो अजीत सर, आपने तो उन सभी लोगों का दिल तोड़ दिया जो कि हैशटैग योलो नाम से सोशल मीडिया पर टैग्स डालते हैं, यू ओनली लिव वंस। तो मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रही हूँ, कमा भी रही हूँ, लेकिन मैं अपने पैसों को आज क्यों नहीं एंजॉय करूं, वो कैसे करूं फिर? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एंजॉय भी करना है वो, फिर तो आप ये तो नहीं सोच सकते कि मैं एक ऐसा दिन आएगा जब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे पैसे की बिल्कुल ही जरूरत नहीं रहेगी और मैं जो चाहूं कर सकता हूं या कर सकती हूं। मेरे ख्याल में मेरा ये स्ट्रेटजी का कहने का मतलब ये है कि आप एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो भी आपका स्किल है वो तो है ही, और आप शायद रिटायर करना चाहोगे उस प्राइमरी स्किल से, लेकिन आपके पास ऐसे सेकेंडरी स्किल्स भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए, हॉबीज होनी चाहिए जो आप मोनेटाइज कर सके, जिसमें आपका अगर आप काम कर रहे हो तो यू डू नॉट फील स्ट्रेस्ड of that job. You're not working for somebody, you're working for yourself, but you don't feel stressed. Or PGM India ne kavita hum abhi publish nahi kiye hain, lekin we have collected about 50 different jobs that you can do, 50 different gigs that you can do. Where can you learn it from? How much will it cost? Or kitna aap kama sakte ho? Interviews with people who have done it. And these are people who have monetized hobbies. Kisi ko pets acche lagte hain, to pet grooming ka service shuru kiya. Kisi ko yoga acha lagta hai, yoga instructor ban gaye. To aise bahut sare aise hobbies hain jo aap monetize kar sakte hain, aapke interests hain jo aap monetize kar sakte hain. Mera kehne ka matlab ye hai ki aap bilkul retire kare, lekin aap कमाने से मत रुकिए आप, लेकिन कमाने के लिए आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, हॉबीज है, उसको मोनेटाइज करने की कोशिश कीजिए। दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू बी एंडिंग अप लिविंग लॉन्गर, सो दैट यू आर फुल्ली ऑक्यूपाइड बोथ मेंटली एंड फिजिकली। इसी के साथ अजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा समय मुझे दिया और इतने इत्मीनान से दर्शकों से बात की और उनका मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। थैंक यू कविता।